आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई और मैं हूं आपके साथ रोशनी। और आज हम बिग बॉस 14 के सबसे धुआंधार कॉन्टेस्टेंट यानी कि एजाज खान के कार्ड्स के बारे में जानेंगे। इतना सा तो गुस्सा आता है, आखिर वो कैसा रहेगा उनका साल 2021 और किस तरह करियर वाइज ग्रोथ करेंगे, क्या होगा उनका लव लाइफ सिर्फ और सिर्फ मुनीषा खतवानी के साथ। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं उनके कार्ड्स। तो मुनीषा, पहले सबसे हम एजाज के बारे में जानना चाहेंगे कि जिस तरह का टेम्पर है उनका या जिस तरह की पर्सनालिटी है उनकी, कैसा रहेगा साल 2021 उनके लिए। ठीक है, लेट्स चेक। वी नो कि एजाज खान का डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त। ही इज़ रूल्ड बाय नंबर 1। लेकिन सन में बहुत ईगो भी होता है, प्राइड भी होता है, अहंकार भी होता है, गुस्सा भी आता है। सो ये क्वालिटीज़ टू बाय डिफॉल्ट नंबर 1 वालों के साथ ज़्यादा होता है, स्पेशली इन मेल, बिकॉज वो सन प्लानट जो है इट इज़ अ मेल बेस्ड प्लानट, तो मेल्स में ज़्यादा ये टेम्परमेंट दिखता है। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट्स हिज 2021 लाइक। तो उनके लिए आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो फाइनेंसिस वाइज इट्स अ मच बेटर टाइम फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत शायद डिफिकल्ट टाइम देखा है इससे पहले, करियर वाइज, पर्सनली एंड मे बी इवन फाइनेंशियली एंड ऑल दैट। तो उनके लिए 2021 में फिर भी वो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, तो उनको वो अगर वो अवॉइड करेंगे तो इट विल बी मच बेटर एंड मोर, इट बी अ मोर प्रॉस्परस ईयर फॉर हिम उस हिसाब से। लेकिन किसी के साथ मेजर अनबन होने वाली है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि द टावर का कार्ड आया है, या हेल्थ वाइज उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द टावर मीन्स कि बेसिकली उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। सो दैट इफ़ ही अवॉइड्स इन 2021, तो उनको अपने लाइफ में he will find a change. Okay. मुनीषा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लाइक उनको बेसिकली क्या करना चाहिए, तो मतलब उनकी लाइफ को। इन हिज केस ही शुड गिव वाटर टू द सन, ओके, क्योंकि उनका जो सन इज अ फायरी प्लैनेट और उसके अंदर बहुत आग है, तो आग में क्या होता है, ऑब्वियसली तेज है, गर्म है, तो ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी अंदर से गर्म हो जाती है। दैट्स वाई वी टेंड टू गेट वेरी टेम्परमेंटल व्हेन यू आर रूल्ड बाय द सन। सो उनके लिए अगर वो वाटर देंगे सन को, तो ऑब्वियसली जब आप पानी डालोगे आग के ऊपर तो वो ठंडा हो जाता है, तो दैट कॉन्सेप्ट वुड वर्क फॉर हिम। ओके, दैट इज़ द बेस्ट वे टू गिव वाटर टू द सन, राइजिंग सन। अगर वो सन मिड डे से पहले दे दे, बिफोर द सन सेट्स, मतलब 12 o'clock वो सनसेट होना शुरू हो जाता है, तो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर हिम टू डू दिस, और वो उनको बहुत फ़ायदा देगा, इवन इन हिज़ नेचर, इवन इन हिज़ टेम्परमेंट, इवन इन हिज़ वर्क। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या होगा, क्योंकि बिग बॉस 14 में काफ़ी ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ी है और काफ़ी अच्छा भी खेल रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने जीतने के चांसेस है, कहाँ तक जा सकेंगे? जीतने का थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, आगे जाने का तो देखो चारों कंटेस्टेंट्स का तो अच्छा ही आया है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ विनर विनर, देन मे बी नॉट एजाज, इट कुड बी, जैसे मैंने कहा मेरे को फीमेल ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं फॉर अ विनर, बट एजाज का भी कार्ड्स बुरे नहीं आए हैं, इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट दैट एज अ विनर वो बहुत स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। तो कहाँ तक जाने के चांसेस है, हम ये टॉप 5 तक देख सकते हैं? हाँ, टॉप 5 इज समथिंग आई कुड बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज द मून का कार्ड आया है। द मून मतलब उनके सक्सेस में रुकावट है या ऑब्स्टिकल है, सो दैट मीन्स विनिंग इज लिटिल टफ। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इज येस अप्रिशिएशन एंड फैन फॉलोइंग एंड ऑल, बट विनिंग इज लिटिल टफ। ओके, हम सभी जानते हैं कि एजाज घर में काफ़ी ज़्यादा यू नो बड़े हैं, ही इज़ वेरी एल्डर, सो हम उनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको उनकी लव लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है साल 2021 में, क्या उन्हें उनका जीवन साथी मिल सकता है? डिफिकल्ट है, क्योंकि द मैजिशियन इंडिकेट करता है ही लाइक्स टू बी इन हिज ओन कंपनी, और अभी वो एक स्टेज में आ चुका है लाइफ में जहाँ पे ही इज़ वेरी कंटेंट जस्ट फोकसिंग ऑन हिज करियर, फोकसिंग ऑन हिज ग्रोथ इन फाइनेंस। 2021 आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर होता भी है 2021 में किसी को, सी कैजुअल रिलेशनशिप्स आई एम नॉट काउंटिंग, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि जिसमें रियली उनको कुछ सीरियस हो या कुछ सेटलमेंट हो, दैट कुड बी आफ्टर ऑगस्ट 2021, चांसेस है उसके। ओके, क्या जी आप जानना चाहेंगे कि क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगी आप एजाज को? तो मेन एडवाइस तो मैं दे चुकी हूँ टेम्परमेंट का, एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखो दोनों किंग का कार्ड आया है उनके लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स उनको बैलेंस से चलना चाहिए, अपने माइंड को यूज़ करना चाहिए, बट नॉट जहाँ पे ही बिकम्स टू ओवरली कैलकुलेटिव और श्रूड, बिकॉज वो उनके खिलाफ जाएगा, एंड मनी विल डेफिनेटली बी मच बेटर इन 2021। लाइक हम
देख सकते हैं कि करियर वाइज भी उनका काफी अच्छा ग्रोथ हो सकता है. यस, उनको फिल्म्स भी आएंगे. ओके, या आई सी हिम डूइंग मूवीज या वेब और समथिंग अल्टरनेटिव फ्रॉम टीवी. ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है फिल्म्स या टीवी, वो फिल्म्स भी कर चुके हैं. ओके, सो आई सी हिम डूइंग मोर मूवीज और वेब फॉर शोर. ओके, या सो ये. So thank you Monisha for joining with us on Bollywood Spy. और हमने काफी कुछ जाना बिग बॉस 14 के contestants के बारे में, एजाज के बारे में कि कैसा रहेगा उनका साल 2021. And thank you for joining with us on Bollywood Spy. मैं चाहूंगी कि हमारे सारे दर्शक हमें comment section में जरूर बताएं कि कितना agree करते हैं आप इन cards के साथ.